आज मैं आपसे और बिहार की जनता को भी और देश की जनता को भी उस वीडियो का जरा जिक्र करना चाहता हूं। ये वीडियो बिहार के एक गांव की किन्हीं बुजुर्ग महिला का है। उस वीडियो में एक व्यक्ति उनसे उस महिला से पूछता है कि मोदी के काहे खातिर वोट देबो, का कर ले हवन तोहरा खातिर, आखिर मोदी को वोट क्यों दे, मोदी ने क्या किया है। और भाई और बहनों, मैं सचमुच वो वीडियो देखकर के इतना प्रभावित हो गया। गांव की महिला, शायद वो अखबार भी नहीं पढ़ती होगी, घर में कभी टीवी भी नहीं देखा होगा, उस गरीब मां, उन महिला ने इस सवाल का एक सांस में जवाब दे दिया, दाम 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 बोलना शुरू कर दिया। जब वो मां बोल रही थी तो जो उनको पूछने गया था ना, उसका चेहरा देखने जैसा था, मुंडी लटक गई थी, उसकी बोलती बंद हो गई थी। यानी एक गांव की मां ने उस जो सवाल पूछने वाला था, अपने मन के भाव के अभिव्यक्ति से उन्हें उसकी बोलती बंद कर दी। और उस वीडियो में मैंने देखा, बिना लाग लपेट के एक ही सांस में उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देबे ता तोहर के देव। साथियों, आज बिहार की महिलाएं, आज बिहार की बेटियां यहां के लोग एनडीए के विरोधियों से यही कह रहे हैं, एनडीए के वोट ना देव तक्का तोहरे के देव। भाइयों और बहनों, ये सब मोदी का नहीं, आपके एक वोट की ताकत है। एनडीए को दिए आपके एक वोट से ही संभव हो सका है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल डबल युवराज भी है। और एक तो जंगल राज के युवराज भी है, डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये डबल डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, तीन चार साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के, काली जैकेट पहन के गांव गांव हाथ हिला रहे थे। और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज
अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में, जितनी बड़ी चुनौती रही है उतने ही बड़े प्रयास हुए हैं। बात चाहे जीवन बचाने की हो, आजीविका बचाने की हो, एनडीए सरकार हर पल एक एक नागरिक के साथ खड़ी रही है। साथियों, दुनिया में आज कोई ऐसा नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो, जिसका इस महामारी ने नुकसान न किया हो, और दुनिया के बड़े बड़े देश फिर से चपेट में आ गए हैं, संकट फिर से मंडरा रहा है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दुनिया के समृद्ध देश भी परेशानी से गुजर रहे हैं। एनडीए की सरकार ने कोरोना की शुरुआत से ही भरसक प्रयास किया है कि वो इस संकट काल में देश के गरीब, बिहार के गरीब के साथ खड़ी रहे। आप सोचिए, संकट की इस घड़ी में अमेरिका और यूरोप की कुल आबादी से भी ज्यादा, आप सोचिए अमेरिका के जितने जनसंख्या है, यूरोप की जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोगों के लिए देश ने अन्न के भंडार खोल दिए। मेरा कोई गरीब रात को भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरी किसी मां को बच्चों को आंसू पी करके सोने के लिए मजबूर न करना पड़े, मेरी मां को रात रात भूखे बच्चे देख करके नींद न आ जाए, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। और इसलिए आठ आठ महीने हो गए, गरीब के घर में अन्न पहुंचाने का काम हुआ है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे देश के अन्नदाता को जाता है, हमारे किसानों को जाता है। लेकिन गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है, ऐसी संकट की घड़ी में किसी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़ा। अगर उसका एक क्रेडिट अनाज उत्पादन करने वाले किसान को जाता है तो दूसरा पुण्य गरीब के जो आशीर्वाद है उसके हकदार आप भी हैं, क्योंकि आपके उसे एक वोट की ताकत है जो आठ महीने से इस संकट में भी गरीब के घर का चूल्हा जलता रखा है। ये आपके वोट की ताकत है। अगर आपने मुझे आशीर्वाद न दिए होते, आपने मुझे और नीतीश बाबू को न बिठाया होता, तो शायद ये अपने परिवार का सोचने वालों ने कभी गरीब के घर के चूल्हे की चिंता नहीं की होती। आज राशन कार्ड धारकों को तो मुफ्त राशन मिल ही रहा है। जिन श्रमिक साथियों के पास राशन कार्ड नहीं भी है, उनको भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
गरीब का चूल्हा जलते रहे, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक ऐसे कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मां, छठ पूजा का त्योहार शान से मनाओ, तुम्हारा बेटा रात को भूखा नहीं सोने दूंगा। छठ पूजा तक मुफ्त राशन देने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी मदद मिली है। इतना ही नहीं, बिहार की लाखों बहनों के जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे गए, उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मुफ्त पहुंचाया गया। भाई और बहनों, आज आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सुशासन है। बिहार का बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज आप अपने आसपास देखिए, गंगा जी हो, कोसी हो या फिर दूसरी नदियां, आज जगह जगह पुल बन रहे हैं। नदियों पर पुल बहुत कम होने की जो बिहार की सदियों पुरानी समस्या रही है, वो अब सुलझ रही है। बीते सालों में एनडीए सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, रेलवे और नदी जलमार्गों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में पीएम पैकेज के तहत 2500 करोड़ रुपए से अधिक रेलवे के प्रोजेक्ट और करीब 1000 करोड़ रुपए के हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। हाईवे और रेलवे के साथ साथ यहां अनेक युवाओं को रोजगार देने वाली डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री पर काम हुआ है। साथियों, गंगा जी की स्वच्छता और निर्मलता हर बिहार निवासी के दिल के बहुत करीब रही है। जब छठी मैया की पूजा के दौरान गंगा जी के किनारे हजारों हजार महिलाओं की भीड़ जुड़ती है, तो उनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है साफ गंगा जी का पानी, साफ स्वच्छ पानी। गंगा जी के पानी को स्वच्छ करने के लिए बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, उसका असर आप भी देख रहे हैं। गंगा जी में गिरने वाला गंदा पानी साफ हो, पानी की सफाई हो, इसके लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। गंगा जी पर देश का पहला नदी जलमार्ग हल्दिया से बनारस तक तो पहले ही से ही शुरू हो चुका है। आप मुझे बताइए भाइयों,
ये मोदी के आने के बाद हमारी गंगा मैया बहना शुरू हुआ है, जरा बोलिए ना। ये मोदी के आने से पहले भी गंगा मैया ठीक नहीं थी, पानी बह रहा था कि नहीं बह रहा था, क्या उसके अंदर ये जहाज चला करके व्यापार हो सकता था कि नहीं हो सकता था। लेकिन पहले ऐसे लोग बैठे थे कि उनको गंगा मैया की इस ताकत की समझ नहीं थी। ये आपका बेटा ऐसा बैठा है कि उसको गंगा मैया की भी ताकत का पता। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार को मिले, इसके लिए भी काम चल रहा है। यहां कल्लू घाट पर कार्गो टर्मिनल के निर्माण का काम जारी है। इसका काम पूरा हो जाने पर किसानों को, व्यापारियों को सामान भेजने में बहुत मदद मिलने वाली है। मेरे बनारस तक आसानी से आप अपना माल सामान जाकर के बेचोगे। और मोदी जिस बनारस से जीत के आया है ना, वहां के लोगों का भी भला आप लोग करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, आज बिहार के गांव, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर नियत होती, इच्छा शक्ति होती, तो ये काम डेढ़ दशक पहले भी हो सकते थे। आज के नौजवान को खुद से पूछना चाहिए कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो बिहार के लिए इतनी जरूरी थी, वो बरसों तक क्यों अटकी रही। बिहार के पास सामर्थ्य तब भी भरपूर था, सरकारों के पास पैसा तब भी पर्याप्त था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब बिहार में जंगल राज था। पुल बनाने के लिए कौन काम करेगा जब इंजीनियर सुरक्षित नहीं हो? कौन सड़क बनाएगा जब ठेकेदार की जान 24 घंटे खतरे में हो? साथियों, किसी कंपनी को अगर कोई काम मिलता भी था तो वो यहां काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचती थी, फिरौती पहले पक्की करनी पड़ती थी। ये है जंगल राज के दिनों की सच्चाई, ये है जंगल राज के प्रतीकों की सच्चाई। साथियों, बिहार के आज के जो नौजवान है, इतने सामर्थ्यवान है, वो अपने बचपन के दिन नहीं भूल सकते। मैंने कहीं इस बारे में पढ़ा है, इसलिए आपके सामने फिर जिक्र कर रहा हूं। बिहार के नौजवान याद करें कि बचपन में उनकी मां क्या कहा करती थी। हर एक को याद होगा, मैं हर बिहार के नौजवान को बचपन में उनकी मां ने जो कहा था, वो आज याद कराने के लिए आग्रह कर रहा हूं। हर घर में, बिहार में हर मां, गरीब हो या अमीर, हर मां अपने बच्चों को कहती थी, घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। याद है ना? याद है कि नहीं है? बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। एक कौन था भाई लकड़ सुंगवा? बच्चों की माताएं उन्हें लकड़ सुंगवा से क्यों डराती थी? उन्हें डर था
अपहरण करने वालों से, किडनैपिंग करने वालों से, जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो, बेटे बेटियों का निकलना मुश्किल हो, उस राज को चलाने वालों से बिहार क्या उम्मीद लगा सकता है? जिस राज्य में ये हाल रहा हो, वहां नए उद्योग लगाने की तो छोड़िए, उद्योग ही बंद हो जाएंगे, मिलें बंद ही होगी। भाइयों और बहनों, बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर को ये पुरानी बातें इसलिए याद रखनी है क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था को सुधार के लिए बिहार के लोगों ने बड़ी तपस्या की है, बहुत लंबी यात्रा तय की है। वो लोग जंगल राज की पहचान थे, उनको जैसे ही लालटेन का वो अंधेरा लौटता दिखेगा, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। वे अंधेरे के इंतजार में है। साथियों, रघुवंश बाबू जिन्होंने हमेशा सोशलिस्ट मूल्यों को आगे बढ़ाया, अपना पूरा जीवन बिहार की सेवा में लगा दिया, उनको कैसे अपमानित किया गया, ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, बिहार का हर बड़ा बुजुर्ग जानता है। जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रघुवंश बाबू जैसे कर्मयोगियों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, वे बिहार के सामान्य युवाओं को अवसर कैसे दे पाएंगे? साथियों, बिहार की मिट्टी में हमेशा से सामर्थ्य रहा है। ये देश विदेश में बिहार से निकले बेटे बेटियों ने बार बार दिखाया है। अभी हाल में ही बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात बताना चाहता हूं मैं। अभी हाल में ही बिहार की मिट्टी के सपूत गोपालगंज से रिश्ता रखने वाले वैवेल राम कमलावन जी सेशल्स देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आज उनके ही क्षेत्र में आकर इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से, भारत की तरफ से, मैं सेशल्स के नए चुने गए राष्ट्रपति जी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, दूसरे देशों में गए यहां के नौजवानों ने हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहां से तो अनेक युवा खाड़ी के देशों में गए हैं, उनकी भी दिक्कत कम हो इसका भी प्रयास किया गया है। साथियों, एक समय था जब पासपोर्ट बनवाने के लिए पटना जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। बीते 3-4 सालों में ही बिहार में 30 से ज्यादा पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं, जिसमें से एक केंद्र गोपालगंज में भी खोला गया है। युवाओं की शिक्षा और कौशल के लिए इस पूरे क्षेत्र में व्यापक काम किया गया है।
आज यहां इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल कॉलेज ऐसे अनेक संस्थान बन चुके हैं। यही विकास की, तेज विकास की मजबूत नींव है। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को समझते हुए काम कर रही है। यहां के नौजवानों की ऐसी ही दिक्कत रही है। मेरे बिहार के नौजवानों, आज हिंदुस्तान का जो गांव का गरीब का बेटा है, उनकी दिक्कत रही है। वो रही दिक्कत क्या है? भाषा की दिक्कत। स्कूल में गरीब का बच्चा, उसे जिस भाषा में पढ़ाया गया और जिस भाषा में कंपटीशन हुआ, वो अक्सर उन्हें अलग अलग ही मिलते रहे। ऐसे में दूसरी भाषा बिहार के बहुत से युवाओं के विकास में, रोजगार में एक बहुत बड़ी बाधा रही है। इसी को समझते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा, स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देने की बात की है। बिहार भाजपा ने भी या फिर एनडीए सरकार बनने पर मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा सहित अनेक विषयों की पढ़ाई मातृभाषा में कराने का संकल्प लिया है, हिंदी में कराने का संकल्प लिया है। मैं बिहार के भाजपा को बधाई देता हूं और मैं बिहार के गांवों में जिनको अंग्रेजी पढ़ना नसीब नहीं है, ऐसे मेरी गरीब मां के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये भी सच है कि बिहार के हजारों युवाओं का अलग अलग कंपटीशन की कोचिंग में, तैयारी में ऊर्जा, समय और पैसा तीनों लगता है। अब रेलवे, बैंकिंग और ऐसी अनेक सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की जा रही है। इससे हमारे बिहार के नौजवानों को बहुत लाभ मिलेगा। भाई और बहनों, युवाओं का विकास, उनका रोजगार, गरीबों, दलितों का, पिछड़ों का विकास एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव, न मेरा न तेरा, न अपना न पराया, सब कोई मेरे, बिना भेदभाव सभी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। एक तरफ एससी एसटी का आरक्षण आने वाले 10 सालों तक बढ़ा दिया गया, तो वहीं सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी 10% आरक्षण मिल चुका है। एक तरफ हमारे व्यापारी वर्ग के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। साथियों, देश में चौतरफा हो रहे विकास के बीच आप सभी को
उन ताकतों से भी सावधान रह रहा है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी दो तीन दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे, ये लोग बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। उस दौरान इन लोगों ने हर वो बात कही जो हमारे जवानों का मनोबल तोड़ती है। देश के वीर जवानों, वीर बेटे बेटियों के शौर्य और शूरता पर बिहार को, संपूर्ण देश को रत्ती भर भी संदेश नहीं रहा। लेकिन सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की और आज वही लोग बिहार के लोगों के सामने आकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार के मेरे भाई और बहनों, मतदान करते समय आपको ये जरूर याद रखना है साथियों, बिहार को ऐसे स्वार्थियों को अपने से जितना दूर रखोगे उतना ही बिहार का भविष्य सुनिश्चित है। इसलिए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताना है। मुझे विश्वास है कि आप अपने वोट से बिहार को फिर से बीमार होने से जरूर बचाएंगे। आपने देखा होगा कभी एकाध ऐसी चीज हम खा लें और पेट खराब हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, बुखार आ जाए, तो फिर इंसान सोचता है वो कुछ भी हो लेकिन उसको तो जिंदगी भर कभी दोबारा नहीं खाना है। सोचता है कि नहीं सोचता है? खुद की सेहत के लिए क्या उसको दोबारा खाता है? क्या 15-20-25 साल के बाद फिर सोचता है चलो एक बार ट्राई करूं? करता है क्या? कभी भी हाथ लगाता है क्या? क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार खाया था तो जीना मुश्किल हो गया था, तो जिंदगी भर वो उसको छोड़ देता है। भाइयों बहनों, बिहार को भी अगर बीमारी से बचाना है तो उन्हें फिर से आने मत देना। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं जी, लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं इसके लिए आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है, भारत माता की, भारत माता की।
आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए मेरे बिहार के नौजवानों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद।